हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द बिटकॉइन बर्नर। तो यार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटिक कॉइन के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हम बात करने वाले हैं भाई पॉलीगॉन, जो मैटिक कॉइन पॉलीगॉन क्रिप्टो करेंसी है, जो मैटिक टोकन है, वो आने वाले टाइम में क्या कर सकता है। और मैं यार शेयर करूंगा यार कि क्यों मैटिक कॉइन एक अच्छा इनोवेशन लेके आ रहा है। अगर हम बात करें भाई क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में, तो उन चीजों पर थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में आज हम बातें करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ आप सबके, मुझे चाहिए पार्टनर, पूरी पार्टिसिपेशन चाहिए इस वीडियो में। मुझे कमेंट्स चाहिए अच्छे अच्छे मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है भाई मैटिक कॉइन कितना ग्रो कर सकता है? इन द एंड मैं भी आपको अपना ओपिनियन दे दूंगा भाई मैटिक कॉइन किधर तक ग्रो कर सकता है, और आने क्या ये लॉन्गर रन में एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी है कि नहीं है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सबसे पहले आए थे पहले न्यूज पे। सो बेसिकली पोलका मार्केट मार्केट्स पार्टनर्स विद पॉलीगॉन टू एड्रेस गैस फीस प्रॉब्लम। तो बेसिकली बात ये हुई है, जैसे मैंने आपको बताया ही था यार, बहुत सारी मेजर क्रिप्टो करेंसीज ने पिछले सडन एक महीने में, दो महीने में राइज देखने को मिला है उनकी वैल्यू में। अगर हम बात कर ले बाइनेंस कॉइन की ले लें, तो यार उसका एक मेजर रीजन रहा है कि भाई इथेरियम की गैस फीस प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, जिसके कारण लोग एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं दूसरी क्रिप्टो करेंसीज, और में छोटी क्रिप्टो करेंसीज को ना एक बेनिफिट मिल रहा है उस चीज के लेकर। तो उसके लिए यार जो पोलका मार्केट है, उसने यार पॉलीगॉन के साथ ना पार्टनरशिप कर लिया, टाई अप कर लिया है। वो इस चीज पे काम करने वाले हैं, जो एड्रेस प्रॉब्लम है गैस फीस का उसको एड्रेस करने वाले हैं। सो एक मेजर ना काफी बड़ी बात हो गई थी, जिसके कारण आपको देखने को मिला होगा। मैं करंट बाय प्राइस की बात करूं तो 30 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा है पॉलीगॉन मैटिक कॉइन। सो बेसिकली अगर हम बात कर लेना, तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, मुझे पर्सनली मैटिक कॉइन में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो यार मैटिक कॉइन एक, अगर मैं आपको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में लेके जाऊंगा, डीप डाइव हल्का सा डुबकी मारते हैं थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के ज्ञान में। सो बेसिकली ब्लॉकचेन जो होता है ना, जो जिस टेक्नोलॉजी पे सारी क्रिप्टो करेंसीज चलती हैं, वो एक्ट करता है एज एन यूनिवर्स जो कम्युनिकेट नहीं कर सकता किसी और ब्लॉकचेन के साथ जब तक कोई थर्ड पार्टी यूजर ना हो। तो इस चीज के ऊपर ना, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, इस चीज के ऊपर यार मैटिक कॉइन काम कर रहा है। और वो चाहता है कि मैटिक कॉइन क्या था, कम्युनिकेट कर सके दूसरे ब्लॉकचेन्स के साथ, शेयर कर सके अपना डाटा और ट्रांसफर कर सके अपने दूसरे ब्लॉकचेन्स के साथ, जो इसको ना एक मेजर एज देता है। मैं हमेशा कहता हूँ यार, टेक्निकल टर्म्स में मैं बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि टेक्निकल डेवलपमेंट हो। यार मेरी मकसद इस वीडियोस को बनाने का यही है कि मैं आपको एक जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, इसके पीछे क्या चलता है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन दे सकूं और आपको बता सकूं। तो बेसिकली ये बात है, जो पोलका मार्केट है और जो पॉलीगॉन है, वो पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि वो जो इथेरियम की गैस फीस राइजेस का एक सोल्यूशन निकाल सकें। और मैंने आपको बता दिया भाई मैटिक कॉइन इतना खास क्यों है, क्यों उसको थोड़ा बहुत अलग बनाता है बाकी क्रिप्टो करेंसी से। एक दो क्रिप्टो करेंसी का नाम मैं और बताता हूँ जो ये सेम चीज के ऊपर, अगर मैं बात करूँ सेम चीज के ऊपर काम कर रही है, तो एक है कॉस्मोस कॉइन, आपको पता ही होगा, और एक है पोलका डॉट। ठीक है, ये तो मैंने चीज बता दी आपको, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होता है कमेंट करके बताना। ठीक है, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, गैलेक्सी फार्म लॉन्च होने वाला, राउटर प्रोटोकॉल पॉलीगॉन फिर पार्टनरशिप करने वाला है। दूसरी पार्टनरशिप आ रही है विद डीफाई टू लॉन्च गैलेक्सी फार्म। सो बेसिकली हल्की सी बात पे भी अब कर लेते हैं यार। तो जैसे कि आपको मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया, गिवन इंक्रीजिंग इथेरियम कॉस्ट एंड हाई फ्रिक्शन एसोसिएट विद L1, पॉलीगॉन एंड राउटर आर टीमिंग अप विद लीडिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स टू इनेबल इंस्टेंट गैसलेस ट्रेडिंग एंड फार्मिंग फॉर डीफाई। सो बेसिकली होने ये वाला है, ये चाहते हैं कि लिक्विडिटी ऐड हो जाए, अगर जो प्रोजेक्ट है उसमें जो भी पार्टिसिपेट करेगा उनको लिक्विडिटी ऐड करनी पड़ेगी डीफाई नेटवर्क में, तो वो जाके L2 गैलेक्सी फार्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विच विल इंट्रोड्यूस गैसलेस फार्मिंग फॉर दिस इकोसिस्टम। तो प्रोजेक्ट फ्रॉम द पॉलीगॉन इथेरियम इकोसिस्टम विल बी पार्टिसिपेटिंग इन गैलेक्सी फार्म टू रिवॉर्ड देयर कम्युनिटीज इन क्रॉस प्रोजेक्ट फार्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। सो बेसिकली अगर बात करूँ, उसमें पूरे आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि द स्पेशल थिंग अबाउट दीज फार्म्स इज User will be able to stake just one LP pair and earn reward of 6 different tokens. So basically, अगर बात करोगे $60 का आप रिवॉर्ड जीत रहे, तो $10 आपको अलग अलग टोकन पे मिलेंगे। $10 ऑफ राउट मिल गया आपको, $10 ऑफ पॉलीगॉन मिल गया, एंड सो ऑन, अलग अलग टोकन पे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ इन सब पार्टनरशिप से, मुझे लगता है इन फ्यूचर पॉलीगॉन को एक अच्छा राइज देखने को मिल सकता है। अभी करंट भी बात करें तो काफी अच्छी प्राइस राइज हुई है। अगर दो दिन पहले 20 सेंट्स के आसपास, 20 सेंट्स पे ट्रेड करता था,
10 सेंट्स का सीधा इंक्रीज, काफी बड़ा इंक्रीज हो जाता है अगर हम बात करें। भैया जिसने इन्वेस्टमेंट की है बड़ा खुश हो रहा होगा। अभी अब हम बात कर लेते हैं मैटिक कॉइन पर। ये आर्टिकल यार इनके एफएक्स स्ट्रीट के आर्टिकल्स मुझे काफी पसंद है, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं चाहता आपको यार ज्यादा मैंने हाइपर टर्म्स में लेके जाऊँ, नॉर्मल सिंपलेस्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँ आपको थोड़ी चीजें बताने के लिए। तो बेसिकली बात ये की जा रही है कि आने वाले टाइम में एक पॉलीगॉन कॉइन पे आपको और अच्छा राइस देखने को मिल सकता है और वो 40 सेंट्स पे ट्रेड कर सकता है। अगर वो अपना एक बैरिकेड तोड़ देता है 0.34 उसका, तो आपको वो 40 सेंट्स के आसपास ट्रेड करता देख सकता है आने वाले टाइम पे। तो मैं आपको दिखा दूं करंट, अगर बात करें 30 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा है पिछले 3 महीने का, थोड़ा सा आपको ग्राफ दिखाना चाहूंगा इस क्रिप्टो करेंसी का और पिछले 7 दिन का भी देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये काफी अच्छा, 1 सेंट से अगर इसमें बात करूं तो मैटिक कॉइन ने काफी राइज देखा है, 30 सेंट्स पे पहुंचा है पिछले 3 महीने में। और पिछले 7 दिन में बात करूं तो यार काफी ज्यादा ही खूबसूरत राइज देखने को मिला है 7 दिन में। आप देख सकते हो 20 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा था काफी लंबे टाइम से, 20 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा था, 30 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट हो सकती है बेसिकली काफी अच्छे। अगर मैं पार्टनरशिप्स की बात करूं, ये मैटिक कॉइन कर रहा है, पॉलीगॉन क्रिप्टो करेंसी कर रही है, आने वाले टाइम में मुझे देखने को मिल रहा है कि भाई अगर ऐसी सेम पार्टनरशिप चलती रही, अभी हमने बात करी भाई राउटर प्रोटोकॉल के साथ और पोलका मार्केट साथ इतने पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी है। मैंने आपको एक सिंपलेस्ट लैंग्वेज बताया कि ये ब्लॉकचेन की जो प्रॉब्लम्स है ना, ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है, या फिर एक टेक्नोलॉजी पे काम करेगी यार वो, ताकि जो ब्लॉकचेन है ना वो एक ब्लॉकचेन दूसरे ब्लॉकचेन से इजीली कम्युनिकेट कर सके, अपना डेटा शेयर कर सके। तो यार ये चीज़ें काफ़ी अच्छी और ना काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग बना देती है इस क्रिप्टो करेंसी को। मुझे लगता है आने वाले टाइम में यार इन सब चीज़ों के कारण इस क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्टर्स का ध्यान जाएगा, ठीक है। अब बाकी भाई एक बात बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो होने की भाई मैं कह दूंगा मुझे ब्रह्मांड भर का ज्ञान है कि भाई पैसा आप पैसा कैसे काम करता है, पर मुझे यार टेक्निकल नॉलेज है मेरा खुद भी। अगर मैं बाद में इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो मुझे ऐसा पता है कि भाई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है नियर फ्यूचर, और उसके बेसिस पे यार अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ते हैं और आपके लिए एक अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके थोड़े बहुत डाउट जितने भी, मैं उसको पूरी कोशिश करता हूँ वो क्लियर कर सकूँ। बाकी यार मैं हमेशा ये कहता हूँ इन्वेस्टमेंट एक रिस्कफुल जॉब है, पैसा आपका है, सोच समझ के आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ इन्वेस्ट करो। मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई और वीडियो देखो, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ो। मैं चाहता हूँ यार मैं आपको एक टेक्निकल नॉलेज दूँ, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको पता हो कि भाई ब्लॉकचेन क्या होता है, जिस क्रिप्टो करेंसी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो मार्केट में करके आ रही है, वो क्या इनोवेशन लाना चाहती है। हमेशा याद रखना जो चीज इनोवेशन की फील्ड में जाती है ऊपर नीचे जाएगी, पर अगर वो अच्छा काम कर रही है ना तो उसके ऊपर इन्वेस्टर्स का ध्यान जाएगा। तो मैं उन चीजों को अपने वीडियोस में कवर करने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ यार मैं सिंपल लैंग्वेज यूज करूँ कि आप लोगों को ना समझ आ जाए, आप लोगों को यार ये ना हो कि यार ये क्या भाषा बोल रहा है, इतनी मुश्किल मुश्किल शब्द का इस्तेमाल। मैं कोशिश करता हूँ काफी हिंदी में ना आसान और प्यारे शब्द इस्तेमाल कर लूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यार अब यहाँ तक वीडियो देख लिया तो यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा के यार ऑल कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। पिछले 2 दिन में यार हमें थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी हमारा, यार अगर बात करें वाईफाई की वायरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, जिसके कारण हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए ऑन टाइम। एक्सट्रीमली सॉरी, माफी चाहता हूँ, पर अब वो सब प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है। अब डेली जैसे हम पहले 2-3 दिन वीडियोस देते थे वैसे ही आपको देते रहेंगे, अच्छी अच्छी अपडेट्स लाते रहेंगे। तो ये मेरा टेक था भैया मैटिक कॉइन के ऊपर। मैंने आपको बता दिया मैटिक कॉइन के ऊपर जो न्यूज़ बड़ी बड़ी निकल के आ रही हैं, वो किससे पार्टनरशिप कर रही है, किस चीज़ पे काम कर रही है, किस चीज़ के बारे में इनोवेशन करना चाहती है। अब आपका काम क्या है, आपका काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके अपना व्यू पॉइंट देना। और मैं चाहता हूँ यार अगर आपको किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई अच्छी नॉलेज आई है, इन्फॉर्मेशन आई, तो कमेंट करके बताया करो यार, मैं पिन कर दूंगा उसको ताकि सारे लोग फटाफट उसको पढ़ लें। यार ये सब होना चाहिए मेरी वीडियो में, मैं चाहता हूँ सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको मिले, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी तो मेरा मकसद यही है कि यार लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई और जो भी क्रिप्टो करेंसी जिस चीज़ के ऊपर काम करती है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, उनके बारे में यार मैं आपको वीडियो बना के देता रहूँ। और पूरी कोशिश करूंगा कि यार अब चैनल हमारा अच्छा खासा ग्रो कर चुका है, मैं चाहता हूँ आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत इनोवेटिव चीज़ें लेके आऊँ, अलग अलग चीज़ें लेके आऊँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ। तो यार तब तक के लिए चैनल को यार सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा के ऑल कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अच्छी अच्छी क्रिप्टो करेंसी से इन्वेस्टमेंट करते रहें।